गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर बात करें लैंडिंग की, तो लैंडिंग हमने ली नोवो में, और नोवो में भाई एक स्क्वाड आई थी जो भाई दम लगा करके कैंप कर रही थी कि भाई कैसे भी सामने वाले टीम को मार देना है, मतलब कि हमें मार देना है। और मार्क कंटिन्यू हमें मिल रहा था कि सामने बंदे हैं, सामने बंदे हैं, सामने बंदे हैं। तो मोली वगैरह मैं शुरू कर देता हूं, क्योंकि कॉल था यहां पे संदेश का कि सामने वहां बंदा है और वो लोग कैंपिंग ही कर रहे हैं पूरे के पूरे। तो हमारा क्या था कि हमें पुश करना था, हमें चाहिए थे किल यहां पे, तो पुश शुरू कर देते हैं। एक बार चेक करो इस बार फाइट को। यहाँ पे इस स्क्वाड को खत्म करने के बाद यार हमारी कोशिश यही थी कि बंदे ढूंढने, पोचिंकी में जाने का कोई बंदे वहाँ पे नहीं थे। तो हम लोग पहुँचते हैं स्कूल अपार्टमेंट, और स्कूल अपार्टमेंट भाई दबा करके कैंपिंग चल रही थी, दबा करके। एक बार चेक करो इस वाले फाइट को। भाई डर देख रहे हो? कोई भी डर नहीं भाई, कार 98 लेकर के सीधे सीधे उस बंदे के मुंह पे जा रहा हूँ और शॉट्स मार रहा हूँ। और बंदे ऐसे हैं इनके कि देखो पूरे के पूरे कैंपिंग करेंगे, पूरे के पूरे कैंपिंग, कोई भी मूवमेंट नहीं, बंदे पता ही नहीं चल रहे थे बंदे कितने बंदे हैं। चेक करो एक बार इस वाले फाइट को अभी। और माफिया ने यहाँ पे इस बंदे को मार करके टीम को टूटने से बचा लिया यहाँ पे। बाकी रिवाइव होने का था, आपने देखा यार कि बंदे फर्स्ट फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे, और एक बंदा सबसे टॉप पे। तो यार ऐसी तरह की कैंपिंग चलती है भाई, सोचो। तो यहाँ पे रिवाइव वगैरह होने के बाद यार हम लोग बंदे ढूंढने चले जाते हैं, बंदे कहीं नहीं मिलते भाई, कहीं नहीं। बाकी यहाँ पे शेल्टर पे पहुँचने के बाद यहाँ पे बंदे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी दो स्क्वायर रहती है। देखो एक बार दूसरी टीम ने इनको खत्म कर दिया यार, एडवांटेज लेकर के, और भागना शुरू कर देते हैं। पर चेक करो, यहाँ पे इन दोनों को नॉक करने के बाद यार हमें कोई भी आइडिया नहीं लगता है कि इनका कोई और बंदा भी है जो यहाँ पे रुका हुआ है। और कॉल आता है जैसे कि भाई पीछे एक और भी बंदा है जो अभी वेट कर रहा है। एक बार देखो इसको, और यहाँ पे फट से हेडशॉट भाई। गाड़ी वगैरह हर गाड़ी फोड़ चुके थे हम लोग, कोई भी गाड़ी नहीं था। जोन में जाना था 500 मीटर दूर, तो यार पैदल ही हम लोग निकल जाते क्योंकि गाड़ी नहीं थी। और अंदर आने के बाद, जोन के अंदर आने के बाद यार बंदे का कोई भी आइडिया नहीं था। लास्ट टीम थी, हमें लग रहा था कि 4 vs 4 हो सकता है। तो यहाँ पे भाई अभी भी 3 स्क्वाड अभी है यहाँ पे, आप समझो इस बात को। और बंदे हमारे जोन के अंदर आ रहे हैं, शांता दास और यहाँ पे माफिया अंदर आ रहे थे, और शॉट्स पड़ना शुरू हो जाता है। कॉल तो होता है कि सामने बंदा है कवर फायर देने के, लेकिन बंदे दिख ही नहीं रहे थे भाई। कवर फायर दू तो दू कहाँ यार, यहाँ पे कोई बंदा दिख नहीं रहा था भाई, कोई बंदा दिख नहीं रहा था। शॉट्स मारे जा रहे थे, उतने में श्यांता दास यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। श्यांता दास जोन के बाहर होते हैं, तो मेरा भी यही होता है, या तो जोन के बाहर स्मोक करो या फिर जोन के अंदर करो। जोन के बाहर स्मोक करा था क्योंकि जोन के अंदर आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, यहाँ पे स्मोक करना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे स्मोक गिराना, फटाफट स्मोक गिराओ, स्मोक गिराओ, स्मोक गिराओ, स्मोक गिराओ, स्मोक मार दिया। स्मोक गिराने की कॉल देता हूँ, लेकिन स्मोक भाई क्या ही बताऊं, स्मोक यहाँ पे गिराने के बाद रिवाइव देना चालू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स बुरी वाली पड़नी शुरू हो जाती है। और श्यांता दास को यहाँ पे फाइनली फिनी फ्री कर दिया जाता है और लॉबी भेज दिया जाता है। यहाँ पे अभी 3 vs 4 का इंटेंस सिचुएशन है, लेकिन अभी 4 बंदे नहीं है, अभी 3 टीम है यहाँ पे। एक बार चेक करो, बंदे भागना शुरू कर देते हैं, बंदे इधर उधर फैले हुए हैं भाई। मतलब आप अगर ज़्यादा देर तक पिक लेते हो तो आपको सीएस या नॉक फिनिश किया जाएगा। एक बार चेक करो इस फाइट को,
यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक करा, उसके बाद जोर भी जाना है खेल खेलने का। चालाकी देख रहे हो बंदे की। यहाँ पे मैं अंधाधुन फायर देने लगता हूँ और M4 में 6-6 पूरे के पूरे 6-6 को यूज कर रहा हूँ भाई। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब रिकॉइल कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, फिर भी यहाँ पे रिच क्लाउड को शॉट्स पड़ता है और फिनिश भी कर दिया जाता है। आप देख रहे हो बंदे ओम से पूरा का पूरा फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे 6-6 का पूरा का पूरा। स्कोप से मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यार रिकॉइल कंट्रोल नहीं होने की वजह से, और जोन भी आ रहा था, अंदर भी जाना था और बंदे भी सामने थे, तो बंदे को क्लियर करते हुए जोन में जाना था, तो इस कारण यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर शॉट जोर मारता हूँ मैं लेकिन वो बंदा भाई तुरंत अंदर चला जाता है भाई, कैसे भागता है मालूम नहीं। यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन है और अभी देखो एक बार कि कैसे, अभी जो सामने वाला बंदा है वो कम से कम 6 या 7 नॉक निकाल चुका था भाई सामने वाला बंदा, और सीधे मेरे बॉडी पे शॉट पड़ता है। उस बंदे ने उसको फिनिश करा और उस बंदे ने मेरे को शॉट मारा ओम का, और मेरे पास कोई बेस नहीं है, 0 HP पे हूँ और भाग रहा हूँ, क्योंकि एक शॉट भी लगना मेरा गेम तमाम कर सकता था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कवर ढूंढना चाह रहा था, जोन भी पीछे से आ रहा था शॉट, अगर मैं जोन के बाहर अगर रहता हूँ 1 सेकंड भी तो मैं जोन से नॉक हो जाऊँगा, वो बंदा भी मारे जा रहा है। तो भाई क्रिटिकल सिचुएशन थी यार, क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो यहाँ पे देखो जोन के बाद अंदर आने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपने आप का हेल्थ रिकवर करता हूँ। बंदा देखो, बंदा भी जस्ट है, हमें पता है कि सामने बंदा है, लेकिन वो बंदे की यार चालाकी देखो भाई, लास्ट का बंदा है तो भाई वो दिमाग तो लगाएगा ना, भरपूर दिमाग लगाएगा, तो दिमाग तो वो बंदा लगा रहा था, लेकिन वही वाली बात है ना यार, दिमाग लगाओ सही ढंग से नहीं लगाओ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी क्या है, अभी हमें मालूम था कि इधर से फायर आ रहा था, शॉट्स आ रहे थे, तो हम लोग उधर ही जाना शुरू करते हैं। लेकिन बात यह है कि बंदे अगर कैंप करेंगे तो यार उनको इतना जल्दी नहीं कि भाई क्लियर कर सकते हैं, कि कोई बंदा अगर सोलो में अगर पकड़ा जाएगा, अगर मान लो माफिया पकड़ जाते हैं या फिर मैं पकड़ा जाता हूं, तो उसको इजीली फिनिश कर दिया कर सकता है। यहां पे मुझे बंदा दिखा था लेकिन यहां पे बंदा नहीं होता है, वो यहां पे मिसमैच हुआ यहां पे चीज़ें। मॉली वगैरह चालू कर देता हूं लेकिन यार बंदा का निशान नहीं है भाई, नामो निशान नहीं है। तो मैं कॉल देता हूं कि भाई 5 सेकंड बाकी है, उस बंदे के पीछे रहेंगे तो भाई जोन काटेगी नहीं, सीधा सीधा मारेगी भाई, सीधा सीधा मारेगी। गाड़ी लेकर के सीधे भागना चालू करते हैं भाई, ये बंदा चालाक जरूर था भाई, चालाक जरूर था। अगर प्रॉपर कॉल के साथ अगर हम लोग अगर अंदर नहीं आते ना भाई, जोन के अंदर नहीं आते, तो ये बंदा आराम से इजली फिनिश करने के पूरे के पूरे चांसेस थे यार, पूरे के पूरे चांसेस थे। मैं यहाँ पे हम लोग गाड़ी घुमाना शुरू कर देते हैं, बंदे ढूंढने चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदा सोचो यार कि बंदा मार करके कितना जल्दी भागा है वहाँ से, मत बचाओ मत पूछो यार कैसे भाग रहे बंदे। तो यहाँ पे प्रॉपर कॉल आता है माफिया का कि बंदा दिख गया है, मैंने कॉल दिया भाई कहाँ है, लेकिन भाई होता है ना कि यार अभी लास्ट बंदे हैं, चढ़ना है क्योंकि यार गेम को ज़्यादा देर भी नहीं कर सकते। सामने कॉल आता है माफिया के सामने वाले पेड़ पे, और थोड़ी सी जल्दीबाजी के कारण यहाँ पे देखो एक खतरनाक वाला चिकन डिनर, नॉक तो जरूर होता हूँ लेकिन फिनिश नहीं होता हूँ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर।